बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, हकीकत की दुनिया के तमाम फैंस को हमारी पूरी टीम की जानिब से नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। 2020 में हमें इतनी तरक्की और उरूज देने के लिए हम आपके तहदिल से शुक्रगुजार हैं। नेशनल, इंटरनेशनल और डिफेंस अफेयर्स के हवाले से जो भी हमारे दोस्त हमारे चैनल विजिट करते हैं, हम उनके ममनून एहसान हैं। उम्मीद करते हैं कि 2021 में भी आप इसी तरह से हकीकत की दुनिया के साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आज साल के पहले दिन हम लेकर आए हैं पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए खुशखबरी। और दोस्तों, ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए अपना घर बनाना जिनका ख्वाब है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में मिडिल क्लास की जिंदगी का एक बड़ा मकसद सरकारी नौकरी के इख्तिताम पर मिलने वाली पेंशन से अपना जाती घर बनाना है। सफेद पोश लोग तमाम उम्र अपनी जमा पूंजी इसी काम के लिए वक्फ रखते हैं, ताहम उसमें से बहुत कम शरह ऐसे लोगों की है जो इस दौड़ धूप के नतीजे में अपना घर बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अक्सर मुलाजिमीन और गरीब लोग इस तमाम अमल के दौरान किसी नागहानी आफत, शादी ब्याह या दूसरी जरूरियात की वजह से वो पैसा खर्च करने पर मजबूर हो जाते हैं और तमाम जिंदगी बगैर छत के ही उम्र गुजार देते हैं। दोस्तों, इन तमाम हालात के पेश नजर गरीब और मतवसत तबके के लिए माजी की हुकूमतों की सरकारी स्कीमें आती रहती थीं, मगर उसका तरीकाकार इस कदर पेचीदा हुआ करता था कि कोई आम इंसान उससे मुस्तफीद नहीं हो सकता था। और दोस्तों, मौजूदा हुकूमत ने जहां गरीब आवाम के लिए बहुत से फलाही प्रोग्राम शुरू किए हैं और नादार लोगों के लिए वक्ती तौर पर पनाह गाहें बनाई, उसी वजीर आजम ने मुस्तकिल बुनियादों पर लोगों को अपना घर बनाने के लिए इमदाद फराहम करने की भी खुशखबरी सुना दी है। और दोस्तों, इसी स्कीम के तहत अवाम के लिए अपने घर का अधूरा ख्वाब पूरा करने का सुनहरी मौका फराहम किया जा रहा है। दोस्तों, हुकूमत की तरफ से इस शोबे में जो नई स्कीमें मुतारिफ करवाई जा रही हैं, वो बिलाशुबा एक इनकलाब बरपा कर देंगी। इससे न सिर्फ गरीब आदमी को अपने घर की नेमत मुहैया हो सकेगी, बल्कि तामीरात के शोबे में काम बढ़ने से ये एक बाकायदा सनत की हैसियत इख्तियार कर लेगी। दोस्तों, अगर इसका तजिया किया जाए तो ये कहना बेजा नहीं होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये कदम बेरोजगार नौजवानों के लिए एक रोशनी की उम्मीद है। जहां तामीरात के शोबे में नई नौकरियां और रोजगार के मौके मिलेंगे, वहीं इससे मुतसर दूसरे शोबों में रोजगार के नए मौके जन्म लेंगे। तामीरात के एक हिस्से से कई दूसरे इदारे और सनतें जुड़ी होती हैं। दोस्तों, घर सिर्फ ईंट और मिट्टी या सरिये से नहीं बन जाता, दीगर शोबे भी उसमें शामिल होते हैं, जिसमें लकड़ी, प्लास्टिक, पेंट, लोहा, सीमेंट, इलेक्ट्रिक और निकासी आब शामिल हैं। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40 शोबे बिला वास्ता आपस में जुड़े हुए हैं, जिसका मतलब इन तमाम शोबों में तरक्की है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब 2021 में हुकूमत पाकिस्तान ने 186 अरब रुपए के प्रोजेक्ट FBR में रजिस्टर करवाए हैं। दोस्तों, पंजाब में 136 अरब रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी का अमल चल रहा है। पंजाब में 2.5 लाख नौकरियों के मौके पैदा होंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत से पैकेजेस दिए गए हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए कम लागत तामीराती मंसूबों के हवाले से भी एक बड़ा पैकेज सामने आ गया है। दोस्तों, बैंकों ने 378 अरब रुपए तामीराती शोबे के लिए मुख्तस किए हैं और तामीराती शोबे के फरोग से पंजाब में 15,000 अरब की इक्तसादी सरगर्मियां शुरू हो रही हैं। तमाम बड़े शहरों के नए मास्टर प्लान्स आ रहे हैं और मास्टर प्लान से सीवरेज और पानी की फराहमी में हायल रुकावटों के मसाइल भी हल होंगे। और दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान पहले 1 लाख घरों पर 3 लाख फी घर के हिसाब से 30 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन होने को है और मुल्क की बरामदात में इजाफा हो रहा है। कम लागत मकानात के लिए 5 से 7% की शरह पर कर्जे मुहैया किए जाएंगे और इन मंसूबों से रोजगार के लाखों मौके पैदा होंगे। दोस्तों, पहली बार कम कीमत घरों को बैंक फाइनेंस करेंगे। 5 मरले के घर पर 5% से ज्यादा सूद नहीं होगा, बल्कि पहले 1 लाख घरों पर 3 लाख रुपए ग्रांट मिलेगी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की अगस्त तक जमीनों की डिजिटलाइजेशन हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कोरोना के टाइम में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोलने का फैसला किया था, जो की बहुत ज्यादा मुस्बत साबित हुआ, जिसकी वजह से मौशियत को सहारा मिला। 1960 के बाद पहली हुकूमत है जिसने इंडस्ट्री पर तवज्जो दी है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हायल रुकावटों को दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं और तामीराती शोबे के फिक्स टैक्स रजीम में 31 दिसंबर 2021 तक तौसी कर दी गई है। और दोस्तों, 2021 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आसान शराइत पर बेघर अफराद को घर बनाने के लिए कर्जे फराहम करने को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठा लिए गए हैं। दोस्तों, हुकूमत के इन इकदाम को तमाम शोबाए जिंदगी में सराहा जा रहा है, खास तौर पर तामीरात के शोबे में इससे खुशी की लहर आई है।
निजी हाउसिंग स्कीमों ने भी इस स्कीम का खैर मकदम किया है क्योंकि इससे उनके कारोबार में भी इजाफा मतवक्को है। दोस्तों पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जहां 2020 में कोरोना की वजह से मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, वहीं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम एक रोशन ख्याल मंसूबा है जो तमाम मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तानी कौम और हुकूमत के इस्तकलाल और हौसला मंदी का जीता जागता सबूत है। दोस्तों पाकिस्तान इंशाल्लाह 2021 में न सिर्फ मुआशी तौर पर मजबूत होगा बल्कि बेरोजगारी का खात्मा भी होगा और मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन होगा इंशाल्लाह। दोस्तों अब पाकिस्तान सही मानों में तरक्की के रास्तों पर गामजन हो चुका है। पाकिस्तान ने $2 बिलियन कर्जा वापस किया। मूडीज की रेटिंग एजेंसी ने इस्लामाबाद के क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को मनफी से बढ़ाकर मुस्तहकम कर दिया। बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों की रेटिंग करने वाली एजेंसी मूडीज ने इंडिया और पाकिस्तान के लिए रेटिंग जारी की जो नवाज शरीफ के दौर में मनफी लिस्ट यानी B3 से भी आगे चली गई थी, लेकिन अब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए मुस्तहकम करार दिया गया है। मूडीज ने भारत को मनफी B3 में डाल दिया है। इंशाल्लाह इमरान खान अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और आइंदा सालों में इंशाल्लाह पाकिस्तान मईशत में दौड़ रहा होगा। बहुत सी अच्छी खबरों के साथ एक अच्छी खबर ये भी है और वो अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान और चीन के मंसूबे पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं। दोस्तों 2020 में बावजूद हालात खराब होने के रूस ने 21 साल बाद पाकिस्तान से दोबारा तिजारत शुरू की। पाकिस्तानी कतर में बगैर वीजे के जा सकते हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 15 साल बाद 300 टन प्याज खरीदे। करतारपुर की वजह से दुनिया भर में रहने वाले 16 करोड़ सिख पाकिस्तान आकर दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं बल्कि अमन पसंद मुल्क है। और दोस्तों अक्वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को 10 मुल्कों का सदर बनाया जो दुनिया भर में दरख्त लगाने का काम कर रहे हैं और अपनी मर्जी से फंड जारी करेंगे। और दोस्तों 2020 में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पिछले तमाम सालों से ज्यादा जंगी जहाजों के एक्सपोर्ट की जिसमें अफ्रीकी ममालिक और तुर्की भी शामिल है। दोस्तों पाकिस्तान का इमेज इस हद तक बेहतर किया है कि पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा इमरान खान से पहले वालों ने निकाला था जो ब्लू पासपोर्ट और सफारती तहफ्फुज़ की आड़ में हर मुल्क भीख मांगने जाते थे और अवाम के पासपोर्ट को 2 करोड़ का कर दिया था। लेकिन दोस्तों इमरान खान के हुकूमत में आने के बाद अमरीका के एयरपोर्ट पर उनका रवैया बदल गया है। पाकिस्तान जाते हुए इमिग्रेशन में जितना टाइम लगता था उससे भी कम टाइम में अमरीकी मुस्कुराते हुए खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और पाकिस्तान के अच्छे दिनों का आगाज हो चुका है और इन अच्छे दिनों के सम्राट आम आवाम तक पहुंचेंगे और हमारी आने वाली नस्लें हमारे हुक्मरानों के आज के दानिशमंदाना फैसलों को मिसालों के तौर पे याद रखेंगी। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।